दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किसी भी गाने को कैसे काट कर उसे रिंगटोन बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर खोल लेना है और इसमें सर्च बार में आपको सर्च करना है MP3 कटर एंड रिंगटोन मेकर। देखिए ये सर्च में आ गया और सेकेंड नंबर वाला जो है MP3 कटर एंड रिंगटोन मेकर, इस पर हम टाइप करेंगे और इसको सिंपली इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल होने लगा। जैसे ही ये इंस्टॉल होता है हम ओपन करेंगे, सिंपली हम इसे ओपन कर लेते हैं। चलिए, जैसे कि हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं और अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखेंगे फर्स्ट नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ कॉर्नर में MP3 कटर, इस पर हम टैप करेंगे। इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर टू कन्वर्ट फाइल प्लीज़ allow MP3 cutter and rington maker to access file on your device। इसको हम allow कर लेंगे। allow करने के बाद फिर इसी को allow कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम कोई भी गाना ले लेंगे और कोई भी गाना लेकर यहाँ से हम इसको कट करेंगे। तो सबसे पहले हम सुन लेंगे कि कहाँ से हमको कट करना है और कहाँ से रिंगटोन बनाना है। तो हम यहाँ से इसको हम इतना कट करना चाहते हैं, तो हम इतना ही रिंगटोन बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ इतना सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके सेलेक्ट करने के बाद हम चाहेंगे तो ये स्क्रॉल और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से हम आगे वाला बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और ये पीछे वाले के लिए यहाँ पर दिया है लेफ्ट साइड में, इसे हम लोग घटा सकते हैं। और इधर राइट साइड में दिया आपको ये राइट स्क्रॉल वाला जो है, इसे घटा बढ़ा सकते हैं। इसके अनुसार हम लोग अपना घटा बढ़ा कर इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप चाहेंगे तो इसको रिंगटोन नेम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रिंगटोन इसका नाम भी दे सकते हैं, रिंगटोन यहाँ पर। और आप चाहेंगे तो इसका आवाज़ वैल्यू 100% से ऊपर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर कर लेने के बाद इसे आप सिंपली सेव कर लेंगे।